गेम्स खेलते हैं ताकि हमारा मन शांत हो जाए। लेकिन इमेजिन करो कि तुम रिवाइव खेल रहे हो एंड उसके लास्ट तक टिके हुए हो एंड बस एक बंदा और है और तुम अकेले, तुम बोया से बस एक किल दूर हो, बट तभी वो बंदा हैकर निकले। तो ऐसे हमारे फ्री फायर कम्युनिटी के स्ट्रीमर्स और यूट्यूबर्स के साथ भी होता है। बहुत सारे केसेस में यूट्यूबर्स को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपना हद पार कर देते हैं। एंड आज हम लोग देखने वाले हैं ऐसे ही फ्री फायर यूट्यूबर्स का रेज स्लैश एंग्री मोमेंट जो उन्होंने ऑन कैमरा किया। तो वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। वीडियो चालू होने से पहले, ये वीडियो के अंदर डायमंड के गिव अवे हैं, तो ऐसे रिडीम कोड आपको रैंडमली कहीं भी पॉप अप हो सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना एंड हो सकता है कि आप डायमंड जीत जाओ। नंबर वन, ज्ञान गेमिंग। तो ये बात बहुत ही ज्यादा पुरानी है। तो बहुत टाइम पहले जब ज्ञान भाई स्ट्रीम कर रहे थे तो उनके लाइव स्ट्रीम में चैट स्पैम होना चालू हो गया, जिसमें सब लोग ये स्पैम कर रहे थे कि अज्जू भाई तेरा बाप है, अमित भाई तेरा बाप है। एंड यही देखकर ज्ञान भाई को बहुत गुस्सा आया। जो बोला गाइस वही हुआ भाई, जो बोला वही हुआ गाइस। ज्ञान भाई, अमित भाई और राय भाई, भाई तुम लोग चूतिए हो क्या? तुम लोग चूतिए हो भाई, तुम लोग चूतिए हो एक नंबर के। गए जो लोग ऐसे कमेंट कर रहे हो, राय स्टार अज्जू भाई, तुम लोग चूतिए हो भाई, तुम चूतिए भाई तुम लोग यार। उसको बोलना, कभी उन लोगों को बोलना भाई, कभी गुलबा लगा खेला है गेम में, ऐसे गुलबा लगा पाएगा कभी? देखो उन लोग क्या चूतिया कर, तो कमेंट कर रहे हो, उसको जाकर बुलाओ भाई यार, कमेंट कर रहे हो यार। अज्जू की माँ की चूत, और कमेंट करना मेरे चैट, उसको माँ की चूत कर दूंगा मैं बहुत सीखे। उसको बोले पहले उस दिन लाइव स्ट्रीम देखते सुबह, उसको बोलना जो पहले गुलबा लगाने सीख ले, ठीक है? बस इसको बोलना यार, कोई मेरे, तुम 9 साल का ऑडियंस को क्या? मेरे सोचता हूँ मेरे ऑडियंस कम से कम 11 साल के ऊपर होगा। 9 साल की तरह बात कर रहे हो बैंक, जिसको खेलना नहीं आता बैंक उसको बोल रहे हो तुम। उसको और कोई बंदा है ना, राकेश को बुला लो, सुदीप सरकार को बुला लो, सैब इंद्र को बुला लो भाई, कितने अच्छे अच्छे बंदे यार, ये सब नहीं यार भाई। नाम अमित भाई बताओ यार, चूतिया लन के बच्चे ऐसे बुला करो, और भी अच्छा लगे सुनने में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट यूट्यूबर की तरफ, जो कि है टोंडे गेमिंग। तो जब टोंडे गेमिंग अपना मैच खेल रहे थे, तब वो मैच में सिर्फ 13 बंदे अलाइव थे एंड टोंडे गेमिंग अपना पूरा ट्राई कर रहे थे कि वो मैच को जिताए, बट फ्री फायर के करतूतों की वजह से ये हो गया। अबे अर्षद भाई बचा नहीं हूं मैं, जस्ट आगे उतर रहा हूँ, ठीक है अर्षद भाई, क्योंकि पता नहीं क्या प्रॉब्लम कर रहा है भाई। फिर चलो एलसीएफ साइड, फिर एलसीएफ नहीं, घर पे, घर के आगे उतर रहा हूँ ये अभी मेरे को। ये देखो गाड़ी सामने वाले घर पे आगे उतर रहा हूँ, इधर आ जाना, घर गर, हाँ। गैराज में आ जाओ टोंडे भाई, गैराज में, वही गैराज में उतर रहा हूँ, गैराज में जोन है और ये लूट गिरा देता हूँ। आगे आ तो रहा हूँ भाई, करी ना तेरा बाव को टाव को झेकने जा, करी ना साले। अगर ये मोमेंट पे मैं भी होता तो मेरा भी यही रिएक्शन होता था भाई, जब यानी आप इतनी कोशिश कर रहे हो जिताने के एंड जब आप ना जिता पाओ मैच, तो गुस्सा तो आता ही। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट यूट्यूबर की तरफ, जो कि है देसी गेमर्स AKA अमित भाई। तो ये बात बहुत पुरानी है, जब श्रेयस YT जो कि न्यूज चैनल है, जो कि आपको पता ही होगा, वो थंबनेल में देसी गेमर्स के फोटो यूज करते थे, जो कि अमित भाई को बहुत ज्यादा टाइम लगता था वो फोटो के रिएक्शन के लिए, एंड श्रेयस भाई इजीली उसको कॉपी कर लेते थे। श्रेय YT, हाँ ब्रो, वो श्रेय YT अगर स्ट्रीम देख रहे हैं ना, तो मेरा थंबनेल का वो रिएक्शन वगैरह अपने थंबनेल में जगह चिपकाने की जरूरत नहीं है, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। अगर फोटो यूज करना है तो इंस्टाग्राम फोटो वगैरह यूज करो, ये वो लगा मेरा थंबनेल का रिएक्शन उसके थंबनेल में होता है, थंबनेल का रिएक्शन जरूर उठाने की जरूरत नहीं है, अपने इंस्टाग्राम का फोटो यूज करो, नहीं है तो मत यूज करो भाई। यार मेरा थंबनेल के लिए मैं रिएक्शन साला कितना मुश्किल से देता हूँ पता है, इतना शर्म आता है, उठा के छाप देते हैं इतने बड़े क्रिएटर। बट चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं TSG गेमिंग के बारे में। तो जब TSG अपना फ्री फायर का मैच खेल रहे थे तो उसमें ही वो काफी बढ़िया खेल रहे थे, बट तभी उनको एक कैंपर मिल जाता है जो कि उनको मार देता है। अरे मैं कवर दे रहा था भाई, नूब है भाई, नूब है तुम्हारी कसम, टट्टी मन है भाई, ये देख क्या चूतिया बंदे है भाई, देख भाई मैं तो मना ही किया था इसको, मतलब भाई इसका नेट भी कुछ भरोसा नहीं, ग्रेम भी इसका अलग ही क्रैश होता रहता है भाई। ए भाई रिवाइव कर रहे है, कर रहे है, मेरे को आना बचाने, मेरे को बचाना जा बचाना नूबड़े। अरे कैसा बंदा यार जी, यार भेंचोद साला टट्टे भाई, मत खिला भाई इसको भाई, दिमाग का दही कर दिया भाई, गाइस क्या बंदा है यार, मुंह पे आके छोड़ के चला गया भाई। सो चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट यूट्यूबर की तरफ, जो की है AS गेमिंग। सो AS गेमिंग बस ओमेगल पे चिल करने गए थे, तभी उनको एक रैंडम बंदा मिलता है, जहाँ पर थोड़ी सी एकदम लाइक AS गेमिंग मजाक करते हैं वहां पर, एंड उसी के वजह से वो जो सामने वाला बंदा है वो AS गेमिंग को उल्टा सीधा कहने लग जाता। तो भाई पंगा दिखा रहा है कि तेरी शक्ल,
भाई क्या है भाई, ये क्या कर रहा है भाई तू भाई? चैनल का नाम बता दे भाई। मेरी गांड फट गई भाई, ऐसी हरकतें मत किया कर भाई। तेरी शक्ल देख के भी मेरी गांड फट गई। अरे भोसड़ी के बेटे झूठ मत बोल। दे दो नहीं चार दे बहन। अरे मादरचोद लौड़े पागल है क्या? मादरचोद अगर हम लोग गांड पड़ जाता मादरचोद तो इधर बहनचोद हम लड़की ढूंढ रहे। तेरे जैसे बंदर दिख रहे हमको बहनचोद, लड़की ढूंढ रहे हम। तू क्या दिख रहा है हमको यार? क्या मादरचोद भाई, चिकने को समझाओ मादरचोद। ये तेरी शक्ल तूने लगाई क्यों है नकली? तेरी शक्ल असली में भी ऐसी होगी बहनचोद। क्या बोल रहे लौड़े बोल, अब बोल। चिकने मादरचोद, अरे चल तेरी माँ की चूत मादरचोद लौड़े, मादरचोद तेरी माँ की चूत मादरचोद। ना रेड्डी का बच्चे तेरी माँ की चूत लौड़े, मादरचोद तेरे माँ की चूत मादरचोद, तेरी माँ की चूत लौड़े। बोल 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 तेरी माँ की चूत लौड़े, तेरी माँ की चूत। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट यूट्यूबर की तरफ जो कि है लोकेश गेमर। तो ये बात बहुत पुरानी है, जब फ्री फायर में एक न्यू स्किन आई थी एंड उसके लिए हमें पिन करना पड़ता था एंड उसी की वजह से लोकेश भाई हमारे एक लाइव स्ट्रीम कर रहे थे जिसके अंदर वो एक घंटे से ऊपर वो इवेंट में स्पिन कर रहे थे, बट स्टिल उनको कुछ हाथ नहीं आया एंड इसी के चलते उनको गुस्सा आ गया। एक घंटे में स्पिन कर रहा हूं वो बहन छु, कैसे यार कैसे बकचोदी हो रही है? आखिरी स्पिन ताकि यूट्यूब और लोगों को बताए एंड मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, पीस आउट।